नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। चुनावी सफर के इस बुलेटिन में आज बात महबूबाबाद लोकसभा सीट की होगी, जहां से टीआरएस नेता अजमीरा सीताराम नायक सांसद हैं। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने यहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता पी बलराम को 34,992 वोटों से पराजित किया था। अमीरा सीताराम नायक को यहां पर 3,20,559 वोट मिले थे, जबकि पी बलराम को केवल 2,85,577 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर रहे टीडीपी के उम्मीदवार बनोद मोहनलाल थे, जिन्हें मात्र 2,15,904 वोट प्राप्त हुए थे। आपको बता दें, तेलंगाना की महबूबाबाद लोकसभा सीट वारंगल और खमाम जिले में आती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 18,41,050 है, जिसमें से 87% आबादी ग्रामीण है और केवल 12.99% आबादी शहरी है। यहाँ पर 13.15% लोग एससी वर्ग के हैं और 35.87% लोग एसटी वर्ग के हैं। ये सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। यहाँ के निवासियों की आजीविका का प्रमुख साधन खेती है। महबूबाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके नाम हैं दौर, नाकल, महबूबाबाद, नरसामपेट, मुलुक, पिंपाका, येलांडू और भद्रा चिलम। इनमें से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 और टीआरएस और 1 सीट पर टीडीपी विधायक हैं। ये सीट 2008 में हुए लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद बनी। इनके बाद यहाँ पर 2 ही लोकसभा चुनाव हुए थे, एक चुनाव में कांग्रेस और एक बार टीआरएस को जीत मिली है। 15वीं लोकसभा में यहाँ से जीत कर लोकसभा पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार बलराम नायक केंद्रीय मंत्री भी रहे थे, जबकि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में टीआरएस के अजमीरा सीताराम नायक को सफलता हासिल हुई थी। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद अजमीरा सीताराम नायक की संसद में उपस्थिति 71% रही है। उन्होंने इस दौरान केवल 28 बहसों में हिस्सा लिया है और 134 सवाल पूछे हैं। इस दौरान वो एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए हैं। सीताराम नायक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 17,50,00,000 रुपये की राशि आवंटित हुई थी, जो ब्याज समेत मिलाकर 19,52,00,000 रुपये हो गई थी। उन्होंने ये पूरी राशि विकास कार्यों में खर्च कर दी है। साल 2014 के चुनावों में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 13,87,343 थी, जिसमें से केवल 11,24,370 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग कर यहां पर मतदान किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,62,073 और महिलाओं की संख्या 5,62,297 थी। कभी कांग्रेस के सेफ सीट कही जाने वाली महबूबाबाद लोकसभा सीट पर आज टीआरएस का राज है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट समेत पूरे राज्य में काफी खराब रहा था, जबकि टीआरएस का प्रदर्शन इस सीट पर समेत पूरे राज्य में बेहतरीन था। उसने राज्य की 17 सीटों में से 11 पर जीत दर्ज की थी। यही नहीं, इस चुनाव के बाद कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के एक एक सांसद केसीआर खेमे में चले गए, जिससे अब टीआरएस का स्कोर 14 है, जबकि एक एक सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम के सांसद हैं। हाल के विधानसभा चुनावों में भी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के पास इस 88 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 2, टीडीपी को 2, बीजेपी को 1, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। ऐसे में यहां टीआरएस को चुनौती देना दूसरे दलों के लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं इस बार की लोकसभा चुनाव में भी उसका जादू यूं ही बरकरार रहता है या फिर हमें और चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं। आज के सफर में बस इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे आपके सामने किसी और प्रोफाइल सीट के साथ। नमस्कार।